नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था 20,500 का लेवल जल्दी क्रॉस कर जाएगा और वो क्रॉस हो चुका है। अब हम 21,000 की तैयारी कर रहे हैं, तो अब की बार 21,000 पार। कैसा मार्केट होने वाला है, गिफ्टी से इशारा आ रहा है कि हम थोड़ा गैप अप खुलेंगे आज भी, कल के गैप अप के बाद आज भी थोड़ा गैप अप खुलने की तैयारी हो रही है। ऐसे में क्या ट्रेड सेटअप बैठता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए किस तरह से मार्केट में आज होने वाला है। यहाँ पे चार्ट में हमने समझाया था पिछला चार्ट में कि 20,686 पे हमने क्लोज हुआ है। जैसे ही यहाँ से मार्केट अप होगा, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने का आज जो संकेत दे रहा है, ये 20,700-20,800 के ऊपर हम लोग शायद खुल जाए और 21,000 का लेवल शायद इसी वीक देखने को मिल जाए। ऐसे में अब क्या करनी चाहिए ट्रेडर्स को, कहाँ पे रणनीति अपनानी चाहिए, इन सब बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो अगर आपको गैप अप मार्केट मिल जाती है, आपको बाय नहीं करना है। हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था, आप देख भी सकते हैं कि आपको गैप अप ओपनिंग होने पे बाय नहीं करना है, मार्केट को नीचे आने का वेट करना है। हमेशा बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे ही आपको काम करना है। तो गैप अप ओपनिंग होने पे आपको बाय नहीं करना है, इतना क्लियर है। मार्केट नीचे आता है तभी आपको बाय का रणनीति अपनानी है। क्या होगा मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन कहां पे होगी, मान के चलिए 20,500 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो आपको एक परफेक्ट टाइमिंग होगा यहां पे बाय करने का। 21,000 के लेवल के लिए आप बाय कर सकते हैं। आप 20,700-20,500 के कॉल ऑप्शन पे भी खेल सकते हैं, अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल सकता है देखने को। दूसरा चीज क्या होगा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट कहाँ पे होगी, 20,600 के आसपास अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, यहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये आज कल का जो क्लोजिंग है उसके आसपास अगर ओपन होती है मार्केट फ्लैट, तो भी आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन गैप अप पे आपको बाय नहीं करना है। बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, 46,431 पे हमने क्लोजिंग दिया था। ये देखिए परफेक्ट टाइमिंग, वहीं पे ठीक क्लोजिंग हुआ है जहाँ पे हमने लाइफ टाइम हाई बनाया था। तो ये मार्केट का एक अपना नियम है, देखिए वही चार्ट पे क्लोजिंग हुआ है जो पूरा डब्लू पैटर्न जैसा दिख रहा होगा आपको, वहीं पे क्लोजिंग हुआ है जहां पे लाइफ टाइम हाई बनाया था 46,431। आज अगर गैप अप ओपनिंग होती है तब हम 47,000 का लेवल भी देख सकते हैं। तो यहां पर भी आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है। मार्केट ऊपर आता है तो आपको बाय नहीं करना है, गैप अप ओपनिंग होता है तो बाय नहीं करना है। मार्केट अगर नीचे खुल जाती है, गैप डाउन ओपन हो जाती है 46,000 के आसपास, 46,400 के आसपास, आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। 47,000 के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। गैप डाउन होने पे ही बाय करना है, गैप ओपनिंग होने पे बाय नहीं करना है, मार्केट को नीचे आने का वेट करना है। फ्लैट ओपनिंग होने पे भी, फ्लैट कहाँ पे होगी, 46,000 के आसपास अगर फ्लैट ओपन होती है, 46,200 के आसपास अगर फ्लैट ओपन होती है, तो वहां पर भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, एक अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। तो ये वन निफ्टी और बैंक निफ्टी का बात। अमेरिकन मार्केट का भी हाल देख लेते हैं। देखिए अमेरिकन मार्केट भी जो है थोड़ा सा सुस्त हो रहा है, लाइफ टाइम हाई की जाने के बाद अमेरिकन मार्केट में थोड़ा सुस्त कारोबार देखने को मिल रहा है। ये देखिए 41 पॉइंट नीचे डाउ जोंस बंद हुआ है, 24 पॉइंट नीचे S&P बंद हुआ है 4,569 पे, नैसडेक जो है 119 पॉइंट नीचे बंद हुआ है 14,185 पे, और गिफ्ट निफ्टी से अभी सारा आप देख सकते हैं किस तरह से आ रहा है। अभी थोड़ा सा फ्लैट कारोबार गिफ्ट निफ्टी भी कर रहा है थोड़ा सा। अब देखिए 20,870 दिखा रहा है कि वहां पे ओपन होने का चांसेस है गिफ्ट निफ्टी पे। ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए, आइए समझते हैं। मतलब बिग गैप अप ओपनिंग विच रिमेंड अनफिल्ड टिल क्लोजिंग ऑन November 4 व्हाइल टेकिंग द निफ्टी 50 ऑन न्यू हिस्टोरिक हाई, कंटिन्यूइंग द हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन ऑन डेली चार्ट, इंडिकेटिंग दैट मोमेंटम इज एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग गोइंग अहेड। तो मोमेंटम हमेशा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। निफ्टी 50 सीम्स टू बी आइंग साइकोलॉजिकल लेवल जो है 21,000 के आसपास आ रहा है, विद सपोर्ट 20,500 का सपोर्ट रह रहा है। November 4 द बेंचमार्क इंडाइसेज इंडेड ए फ्रेश रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई, विद द BSE सेंसेक्स सर्चिंग 1384 पॉइंट का भयंकर तेजी देखने को मिला, 2.05% 68,865 पे बंद हुआ, वाइल निफ्टी 50 क्लेम 419 पॉइंट बढ़ा है, 2.07% बढ़ा है, 20,687 पे बंद हुआ है। द बिगेस्ट सिंगल डे गेन सिंस October 2022 के बाद ये बिगेस्ट सिंगल डे गेन था। द इंडेक्स हैज फॉर्म ए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न विद लॉन्गर लोअर शैडो ऑन डेली स्केल इंडिकेटिंग बाइंग एट लोअर लेवल के साथ हो रहा है। तो आगे क्या होनी चाहिए,
टेक्निकल दिस पैटर्न इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम एंड अपसाइड ब्रेकआउट ऑफ द प्रीवियस 20,200 का लेवल पे ब्रेकआउट मिला है. द निफ्टी प्लेस एट हाई स्टिल देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ एनी रिवर्सल पैटर्न ऑफ होल्डिंग न्यू हाई. नागराज सिटी बता रहे हैं ये HDFC के, क्योंकि वहां से एक ब्रेकआउट हुआ है इनका. फिर द नेक्स्ट अपसाइड लेवल वाज 20,900 लेवल व्हिच इज 61.8% फिबोनाची एक्सटेंशन है इसका, टेकन फ्रॉम मार्च बॉटम सितंबर टॉप एंड अक्टूबर बॉटम वीकली चार्ट. इमीडिएट सपोर्ट आर प्लेस्ड एट 20,500-20,290 पे रह रहा है. विनय रमानी CMT टेक्निकल एनालिस्ट है एजेंसी सेक्रेटरी के, बिलीव ये बिलीव कर रहे हैं निफ्टी इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड एंड डिप्स शुड बी अप्लाइड एज एक्युमुलेटिंग लॉन्ग्स. The broader market also participated in the run-up, but underperformed benchmark as Nifty mid-cap 100, small 100. Indices gained 1.2%, 1.4%, small cap or mid-cap भी बढ़ा है. इस तरह से आप देख सकते हैं 20,222 का इसका lifetime high था, यहाँ से इसको breakout हुआ है. अब breakout के बाद हम जानते हैं कि market में और ज्यादा तेजी होती है. 20,686 का level है. अब 20,686 के level को भी अगर आज पार करती है तो मार्केट और ज्यादा भयंकर तेजी देखने को मिल सकती है. द पिवट फंड कैलकुलेटर इंडिकेट कर रहा है निफ्टी इज लाइकली टू सी इमीडिएट रेसिस्टेंस 20,700 पे रहेगा पहला, दूसरा 20,753 पे, तीसरा 20,827 पे रहेगा. वहीं पे सपोर्ट का बात कर लेते हैं, 20,558 का पहला सपोर्ट, 20,512 का दूसरा सपोर्ट, 20,438 का तीसरा सपोर्ट रहेगा. निफ्टी बैंक का बात करते हैं, अप टू दिसंबर 4 द बैंक निफ्टी प्लेड बिगेस्ट रोल इन न्यू डेज new highs posted by the benchmark indices. Nifty 50, the banking index itself also saw a gap up opening ended at record closing high pe band hua hai 46431 pe 3.61% up tha. The index has formed a strong bullish candlestick pattern on daily chart, healthy volume ke sath bana hai. We accept momentum continue upside 47,200 ke sell bhi immediate short term target rahega. Jatin Kedia bata rahe hain ye Sher Khan ke. एनी डिप्स 46,200 शुड बी यूज्ड टू बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ हमें काम करना चाहिए. प्राइवेट कंसल्टेंट बता रहा है 46,515 और 46,751 47,137 जो है इसका रेजिस्टेंस रहेगा. सपोर्ट 45,751 45,515 और 45,133 पे रहेगा. अब ये देखिए ब्रेकआउट लेवल है 46,431 को जैसे ही पार करेगा ये ब्रेकआउट लेवल आ जाएगा, फिर हमें 47,000 का लेवल आने से कोई नहीं रोक सकता है. ये जो आप देख रहे हैं लाइफ टाइम हाई का है ये 46,431, यहाँ पे ये जैसे ही क्रॉस करेगा ये ब्रेकआउट मानेगा मार्केट, और ब्रेकआउट के आने के बाद आप जानते हैं मार्केट में और ज्यादा तेजी होती है. 47,000 का लेवल हो सकता है आज ही देखने को मिले. कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा को समझते हैं. वीकली ऑप्शन डाटा सपोर्ट रेसिस्टेंस कंटिन्यू शिफ्टेड हायर अगेन, बेंचमार्क निफ्टी हिटिंग न्यू रिकॉर्ड हाई 21,000 का लेवल पे. सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला 65.98 लाख कॉन्ट्रैक्ट का. कॉल राइटिंग भी 21,500 पे सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है 30.08 लाख का. अब ये चार्ट से समझ सकते हैं 20,700 पे सबसे ज्यादा देखिए ओआई खड़ा है 21,000 के पे 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है 21,000 के कॉल ऑप्शन पे. पुट ऑप्शन डाटा को समझते हैं 20,500 पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है 74.99 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहां पे है. पुट राइटिंग 20,500 पे देखने को मिला 70.59 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहां देखने को मिल रहा है. तो एक सपोर्ट का काम करेगा 20,500, 21,000 जो है रेजिस्टेंस रहेगा. 20,500 पे आप देख रहे हैं बड़ा सा बिग बार चार्ट दिख रहा होगा 74.99 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहां देखने को मिल रहा है. हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिल रहा है पावर ग्रिड पे, जेके सीमेंट पे, अपोलो हॉस्पिटल पे, रिलायंस पे, मैकडॉयल्स पे, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, गोदरेज प्रॉपर्टी पे, सिप्ला पे, HDFC लाइफ पे, HDFC बैंक पे. लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है रैमको सीमेंट पे, ONGC पे, इंडिया सीमेंट पे, फेडरल बैंक पे, ओबरॉय रियल्टी पे, एसर मोटर पे, MGL पे, पावर ग्रिड पे, RBL बैंक पे, IRCTC पे. लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है डेल्टा कॉर्प पे, कॉफर्स पे, मारुति पे, बालाकृष्ण इंडस्ट्री पे, डॉक्टर रेडी पे, जायडस लाइफ पे, मेट्रोपोलिस पे, बिरला सॉफ्टवेयर पे, टोरेंट फार्मा पे, एलकेम पे. शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है अशोक लीलैंड पे, जी एंटरटेनमेंट पे, ग्लेनमार्क फार्मा पे, अबॉट इंडिया पे, ग्रेनुअल्स पे, लाल पैथले पे, HDFC लाइफ पे, पेज इंडस्ट्री पे, MCX पे, LTTS पे. शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजी पे, अपोलो हॉस्पिटल पे, REC लिमिटेड पे, SBI पे, SEC पे, HDFC बैंक पे, सिप्ला पे, कॉनकॉर पे, बजाज फाइनेंस पे, PBR आइनॉक्स पे. PCR जो है अबव 1 PCR हो गया, 1.3 PCR हो रहा है. अबव 1 PCR इंडिकेट कर रहा है कि लोग जो है पुट
पुट बाय कर रहे हैं, अब ये सेंटिमेंट बन रहा है, थोड़ा लोग मार्केट से डर रहे हैं। 361 वैम लिमिटेड जो है आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने बाय कर लिया है 3.5 लाख शेयर। वहीं पे मधु जैन ने सेल किया है। इस तरह से बहुत सारे टाइड वाटर वगैरह कंपनी पे जहां पे बल्क डील हुआ है, कैंप्स पे सबसे ज्यादा बल्क डील हुआ है। न्यूज में रहने वाला एससीएल टेक्नोलॉजी, एससीएल इन्वेस्टमेंट यूके स्टेप्स डाउन होली ऑन सब्सिडी ऑफ एससीएल टेक्नोलॉजी हैज एंटर्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड जॉइंट वेंचर स्टेट स्ट्रीट इंटरनेशनल होल्डिंग फॉर सेलिंग इंटायर 49% स्टेक बेचने वाला है $170 मिलियन पे। होनासा कंज्यूमर जिसको शिल्पा सेठी ब्रांड एम्बेसडर है इसका, मामा अर्थ का फायर साइड वेंचर्स गोइंग टू सेल 61 लाख शेयर्स बेचने वाला है होनासा कंज्यूमर का। द पैरेंट कंपनी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट ब्रांड मामा अर्थ इन ब्लॉक डील दिसंबर 5 सोर्स सीएनबीसी आवाज को बता रहा है। दिस इज 1.9% स्टेक है जो 230 करोड़ में बेचने वाला है। महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज न्यूज में रहने वाला, द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एस्टिमेट टू ओवरऑल डिसबर्समेंट अप्रोक्सिमेटली 5300 करोड़ का डिसबर्समेंट किया है, डिलीवरिंग 16% का ग्रोथ मिलने है ईयर ऑन ईयर। अप्रैल टू नवंबर में 36,000 करोड़ का इन्होंने लोन बांटा है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज में रहने वाला, द कंपनी सेट सब्सिडरी जेएसडब्ल्यू धर्मात्रा हैज इंटर इनटू शेयर परचेज एग्रीमेंट पर 50%+ 1 BNP परिमाण का एसपी पोर्ट मेंटेनेंस से बाय कर लेगा इसका। सापुरजी पालोजी कंपनी 270 करोड़ में इसको बाय करेगा। एसईसी न्यूज में रहने वाला है, द कंपनी रिसीव वर्क ऑर्डर 427 करोड़ का इसको वर्क ऑर्डर मिला है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, सैनिटेशन डिपार्टमेंट झारखंड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से मिला है। बैंक ऑफ इंडिया न्यूज में रहने वाला, द पब्लिक सेक्टर लैंडर इज लाइकली टू लॉन्च क्यूआईपी लॉन्च करने वाला है 3500 से 4000 करोड़ का। तो ये सारे शेयर न्यूज में रहने वाले। एफआईआई ने बाय कर लिया है 2073 करोड़ का शेयर और टीआई ने भी बाय कर लिया 4797 करोड़ का शेयर। न्यूज में रहने वाला है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया सीमेंट, जी एंटरटेनमेंट जो एफएनओ बेन में रहने वाले हैं और डेल्टा कॉर्प। तो ये सारे शेयर आज बेन में रहने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है। कल के तेजी के बाद क्या आज भी ये तेजी बरकरार रहती है या आज प्रॉफिट बुकिंग आती है, इन सब बिंदुओं पे रहने वाला है आज का मार्केट का रिजल्ट। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।